आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करेंट व्हाट इज शॉर्ट सर्किट करेंट जब डिफरेंट फेज का टू और मोर कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो सर्किट में वेरी हाई करेंट फ्लो करती है जिसको शॉर्ट सर्किट करेंट बोलते हैं इस वीडियो में शॉर्ट सर्किट करेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंट को फाइंड करने के लिए थ्री वैल्यूज पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर रेटिंग सेकेंड्री वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस नम प्लेट पर मेनसन रहता है तो वहाँ से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल सपोज करके समझेंगे सपोज ट्रांसफार्मर का रेटिंग फिफ्टीन हंड्रेड के भी है एंड ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज फोर एटी वोल्ट है एंड इसका परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो फाइव पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सो द फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट सर्किट करेंट इज आई एस सी दैट इज शॉर्ट सर्किट करेंट इज इक्वल टू फुल लोड एम्पियर अपॉन परसेंटेज ऑफ जेड इम्पीडेंस एंड फुल लोड एम्पियर इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट इज इन के भी ए अपन रूट थ्री इन टू वोल्टेज जब एज्यूम्ड वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे देन फुल लोड एम्पियर इज इक्वल टू वन फाइव डबल ज़ीरो अपॉन रूट थ्री इंटू फोर एटी वोल्ट ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज हमने एज्यूम किया है वो फोर एटी वोल्ट है एंड उसका रेटिंग फिफ्टीन हंड्रेड के भी है सो फुल लोड एम्पियर इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड फोर एम्पियर्स यहाँ पे फुल लोड एम्पियर का वैल्यू वन एट जीरो फोर मिला सो फुल लोड एम्पियर का जो वैल्यू है उसको हम लोग इस फार्मूला में पुट करेंगे टू फाइंड शॉर्ट सर्किट करेंट सो आई एस सी इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड फोर इंटू हंड्रेड बाई फाइव पॉइंट सेवन फाइव यहाँ पे हंड्रेड हम लोग पुट कर रहे हैं बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ जेड इम्पिटेंस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करेंट का वैल्यू मिलेगा थ्री वन थ्री सेवन थ्री पॉइंट नाइन वन एम पीयर सो दिस इज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट फोल्ट करेंट एंड इस फॉल्ट करेंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर को सेलेक्ट करेंगे कि कितना रेटिंग का सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना है वाट इज नेटवर्क सिक्वेंस इन पावर सिस्टम नेटवर्क सिक्वेंस में हम लोग सिक्वेंस इम्पीडेंस को देखेंगे सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिक्वेंस इम्पीडेंस दैट इज़ पॉजिटिव सिक्वेंस इम्पीडेंस नेगेटिव सिक्वेंस इम्पीडेंस एंड जीरो सिक्वेंस इम्पीडेंस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय पर फेज वेन ओनली पॉजिटिव सोर्स करेंट आर फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट दैट इज जेड वन इज इक्वल टू वी वन बाय आई वन वेर जेड वन इज द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस वी वन इज़ द पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड आई वन इज द पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट मतलब जब पावर एलिमेंट में ओनली पॉजिटिव सोर्स करेंट फ्लो करती है एंड उस टाइम एलिमेंट जो इम्पीडेंस ऑफर करता है तो उस इम्पीडेंस को पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस बोलते हैं नेक्स्ट है नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इट इज़ द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय इट ओनली नेगेटिव सोर्स करंट आर फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट दैट इज जेड टू इज इक्वल टू भी टू बाई आई टू मतलब जब पावर सिस्टम एलिमेंट से निगेटिव करेंट फ्लो करती है एंड उस टाइम एलिमेंट जो इंपीडेंस ऑफर करता है उसको निगेटिव सिक्वेंस इम्पीडेंस बोलेंगे लास्ट है जीरो सिक्वेंस इम्पीडेंस इट इज़ इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय इट व्हेन ओनली जीरो सीक्वेंस करंट आर फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट दैट इज जेड जीरो इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई जीरो जब एलिमेंट से जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करती है एंड उस टाइम एलिमेंट जो इम्पीडेंस ऑफर करता है उसको जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस बोलेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करने वाली करंट को रेसिस्ट करता है और अपोज करता है एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो होल लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है लेट आर इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ होल कंडक्टर विल बी आर इज़ इक्वल टू आर एल इंडक्टेंस जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हाई वोल्टेज एसी पावर ट्रांसमिट होती है एंड उस एसी करंट के कारण कंडक्टर के अराउंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है एंड ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंकेज द कंडक्टर पोजेस द इंडक्टेंस दिस गिव्स इंडक्टिव इफेक्ट टू द ट्रांसमिशन लाइन एल डैस इज द इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर सो इंडक्टेंस ऑफ होल कंडक्टर इज द कैपिटल एल इज इक्वल टू एल डैश इन एल ट्रांसमिशन सिस्टम में एटलीस्ट टू कंडक्टर का यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के पैरल रहता है सो दो कंडक्टर के बीच में पैरल कैपेसिटर फॉर्म होता है एंड कैपेसिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कम डिस्टेंस के लिए कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं पर जब ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस है और ओवर कंडक्टर का डिस्टेंस मोर देन फिफ्टी किलोमीटर होगा तो वहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं लेट C is the capacitance of conductor per unit length and L is the length of conductor. So capacitance of whole conductor is the capital C is equal to CL L. Electrical system में कितने type का fault occur हो सकता है? उसको हम लोग समझते हैं. Single line to ground fault जिसको line to ground fault भी बोलते हैं. इस type का fault general तब occur होता है. जब मेन लाइन ब्रेक होकर अर्थ पे आ जाता है पावर सिस्टम में इस टाइप का जो फॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑकर होता है अबाउट सेवेंटी परसेंट इसका चांस रहता है नेक्स्ट है फेज टू फेज फॉल्ट रेयर केस में इस टाइप का फॉल्ट पावर सिस्टम में ऑकर होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज लाइन टू लाइन फॉल्ट जब दो मेन लाइन और मेन कंडक्टर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है और कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट होने का जो चांस है वो अबाउट फिफ्टीन परसेंट होता है नेक्स्ट है टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। जब दो फेज के बीच में इंसुलेशन फेलियर होता है तो उसके कारण इस टाइप का फॉल्ट होता है द चांस ऑफ दिस टाइप फॉल्ट इन पावर सिस्टम इज़ हार्डली थ्री टू फोर परसेंट नेक्स्ट है थ्री फेज टू ग्राउंड फोल्ड जिसको ट्रिपल एल जी बोलते हैं इस टाइप का फोल्ड तब और होता है जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है इस टाइप के फोल्ड का भी चांस अबाउट थ्री परसेंट होता है एंड लास्ट है ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन फेल हो जाता है एंड जब तीनों मेन लाइन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे इस टाइप का फॉल्ट होता है पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट का जो चांस है वो अबाउट टू परसेंट होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें